देश की राजधानी दिल्ली वक्त के साथ बेहद तेजी से बदल रही है। यहाँ हर जगह सड़क, फ्लाईओवर और मेट्रो का जाल बिछा है। इन सब के चलते एक जगह से दूसरी जगह जाना बेहद ही आसान हो गया है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दिल्ली की रफ्तार उत्तर रेलवे की ट्रेनों पर निर्भर रहती थी। आज भी दिल्ली में रिंग ट्रेन नेटवर्क उपलब्ध है, जो कि केवल 12 रुपए में राजधानी की सैर कराता है। इस रेल नेटवर्क का एक स्टेशन गुमनामी के अंधेरे में खो चुका है, जिसका पाकिस्तानियों से भी गहरा संबंध है। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिल्ली के लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन की। 1930 के दशक में इस स्टेशन का निर्माण हुआ। उस समय यहां से सिर्फ एक ट्रेन चलती थी, जो कि सुबह और शाम दो बार यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाती थी। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तो इसी रेलवे स्टेशन से लाहौर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। भारत में पाकिस्तान जाने वाले लोगों ने इसी स्टेशन से ये स्पेशल ट्रेन पकड़ी थी। उस समय यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी कि पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन आज इस स्टेशन पर मुश्किल से 8 से 10 लोग ही नज़र आते हैं। तो वही रात को ये स्टेशन पूरी तरह से गुमनामी में चला जाता है। इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर रमेश टुटेजा बताते हैं कि ये स्टेशन न केवल भारतीयों के लिए बल्कि पाकिस्तानियों के लिए भी बंटवारे की यादों का अहम हिस्सा रहा है। समय के साथ ये स्टेशन कई अन्य स्टेशनों से भी जुड़ चुका है, लेकिन यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ने का भी इस पर ज़्यादा असर नहीं देखा गया। बता दें, रिंग रेल नेटवर्क की कुल दूरी 35 किलोमीटर है। यहाँ से आसपास के रेलवे स्टेशनों के लिए टिकट मिल जाता है। सबसे महंगा टिकट रोहतांग के लिए था। वर्तमान में दिल्ली के रेलवे स्टेशनों की संख्या भी बढ़ चुकी है। दिल्ली में कुल अब 38 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो कि माइनर कैटेगरी में आते हैं। लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन भी इसी लिस्ट में आता है। इसके अलावा शिवानी ब्रिज, सब्जी मंडी, तिलक ब्रिज, तुगलकाबाद, विवेकानंदपुरी, विवेक विहार, आज़ादपुर सहित कई अन्य रेलवे स्टेशन का नाम इस लिस्ट में शामिल है।